दुनिया का पहला प्रोसेसर 6020 वाला बजट किंग स्मार्टफोन, फीचर्स एक से बढ़कर एक, तो ये कौन से फोन है? जानने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं, ये दुनिया का पहला फोन है जो कि 6020 7nm प्रोसेसर के साथ आता है। और मैं बता दूं, ये आपको LPDDR4X रैम के साथ UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आपको मिलता है। सबसे खास बता दूं दोस्तों, इस प्रोसेसर का सबसे बड़ी बेनिफिट हाइपर इंजन 3.0 के साथ आता है, जिसे आप कह सकते हैं लाइट गेमिंग टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन। इससे आपको गेमिंग का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया हो जाएगा, किसी भी तरह का गेम आप इसमें इजीली खेल सकते हैं। और बात करते हैं इस प्रोसेसर का बेनिफिट, आपको थर्ड जनरेशन कॉल एंड डाटा इसमें आपको मिल जाएगा, जिससे आपको फायदा क्या होगा, गेम के टाइम पे आपको मिस्ड कॉल वगैरह शो नहीं करेगा। बात करते हैं परफॉर्मेंस को लेकर के, तो काफी अच्छा हो जाएगा इस वाले स्मार्टफोन से। अब बात करते हैं, यह स्मार्टफोन 5G है, तो इसको आप इजीली स्विच कर सकते हैं 4G टू 5G पे। अब बात करते हैं ऐप लॉन्चिंग और ऐप स्पीड की, तो ये आपको बहुत फास्ट आप ऐप लॉन्चिंग भी कर सकते हैं, ऐप स्विच भी कर सकते हैं इस वाले स्मार्टफोन से। तो ये कौन से है वीडियो के लास्ट में बताऊंगा और प्राइसिंग भी बताऊंगा, सो वीडियो के लास्ट में बने रहिएगा। चलिए एक नजर बाकी इसके फीचर्स पे भी डालते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये आपको 5G फोन है, ये आपको डुअल 5G के साथ ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। और बात करते हैं इसके डिस्प्ले को लेकर के, 6.5 इंच का LCD स्क्रीन के साथ आपको देखने को मिलेगा, और ये आपको 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। और बात करते हैं एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म को लेकर के, ये स्मार्टफोन आपको एंड्रॉयड 13 के साथ रन करेगा। कैम क्वालिटी की बात करें तो इसमें बैक साइड आपको 13+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा के साथ एंड फ्रंट 5 मेगापिक्सल के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर 5000mAh का बैटरी 15W का चार्जिंग के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और प्रोसेसर की बात करें तो ये आपको 6020 वाला MediaTek Dimensity का ये प्रोसेसर है, जो कि आप कह सकते हैं MediaTek 700 का ये अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि ये वर्क करता है LPDDR4X रैम के साथ एंड UFS 2.0 स्टोरेज के साथ में। तो दोस्तों बता दूं, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये आपको सबसे कम प्राइस में आपको 5G स्मार्टफोन के साथ इस हाई स्पीड परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा। और मैं पहले पिछले बार बता दूं कि पिछले वाले मॉडल जो कि सबसे कम प्राइस में लावा ब्लेज 5G आता था, उससे अगर इसको कंपेयर किया जाए तो अगर देखते हैं, इसमें आपको 15W का चार्जर मिल जा रहा है, जबकि लावा वाला में सिर्फ आपको 10W का चार्जर आपको देखने को मिलता था दोस्तों। और परफॉर्मेंस को देखकर देखा जाए तो उसमें आपको परफॉर्मेंस भी उस वाले फ़ोन और इस वाले में थोड़ा सा स्पीड आपको यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल इस फ़ोन की बात करें तो ये आपको वीवो का सब ब्रांड IQ है। और बता दूं दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो कैम क्वालिटी थोड़ा सा और एडवांस होना चाहिए था, और चार्जिंग का जो स्पीड है थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, और सबसे खास बता दूं, डिस्प्ले सबसे ज़्यादा मायने रखता था, और डिस्प्ले का स्पीड यानी रिफ्रेश रेट थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था। मैं बता दूं, पिछले मैंने बात करी लावा ब्लेज 5G का, जिसमें आपको देखने को 90Hz रिफ्रेश रेट देखने को मिला था, और कैम क्वालिटी भी 64MP बैक का देखने मिला था, जबकि यहाँ पर थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था। ओवरऑल बाकी अच्छा है, लेकिन अगर जो लोग स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं अच्छे गेमिंग के लिए, अच्छे 5G फोन, तो ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये कौन सा स्मार्टफोन है, ये आपको IQ Z7i है, और इसका स्टोरेज कैपेसिटी 128GB के साथ आता है, 3 वेरिएंट का रैम के साथ आपको देखने को मिलेगा, 4GB 6GB एंड 8GB वेरिएंट के साथ। इसकी प्राइस की बात करें तो आपको 10,500 रुपया मिल जाएगा, यानी आप कह सकते हैं ये स्मार्टफोन 11,000 से नीचे में डुअल 5G के साथ 620 प्रोसेसर के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।